हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 8th क्लास की हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का 11th लेसन, जिसका नाम है प्राणायाम, जीवन का नया आयाम। प्राणायाम, जैसे कि आपको पता है कि योग के 8 अंग होते हैं, ये हमने 9th लेसन में पढ़ा था कि योग के 8 अंग होते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि उनके अंग हैं। तो उसी का हमारा ये आज लेसन है प्राणायाम के ऊपर, कि प्राणायाम क्या होता है। तो ये जो लेसन है ये है किसके बेस पर है, ये एक फैमिली है, परिवार है। परिवार में पापा जो हैं वो फौजी हैं, फौज में ऑफिसर हैं, वो घर आते हैं, तो उनका और उनके बच्चों के साथ जो वार्तालाप है, जो उनको लाभ बताए हैं उनके पापा ने, जो आर्मी के ऑफिसर हैं, कि प्राणायाम क्या होता है, उससे क्या होता है, कौन कौन से योग होते हैं, उसके बारे में है ये लेसन। तो हम पूरा लेसन ना पढ़ते हुए हाईलाइट के लाइंस ही पढ़ेंगे। लेसन की शुरुआत में है कि पापा जो हैं आर्मी ऑफिसर, वो छुट्टी आते हैं, बच्चे जो हैं उनसे मिलते हैं, फिर वो बच्चों को पूछते हैं पापा की, तुम लोग जो हैं वो कमज़ोर लग रहे हो मुझे, थके थके लग रहे हो। तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ, हम ट्यूशन भी जाते हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं, तो उसकी वजह से हम थक जाते हैं। फिर जो हैं, जो पापा हैं आर्मी ऑफिसर हैं, वो बच्चों को बताते हैं कि कैसे हम योग के द्वारा अपने आप को फ्रेश और तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो ठीक है, प्राणायाम योग का 4th अंग है। प्राणायाम दो शब्दों के योग से बना है। प्राण का अर्थ है शरीर द्वारा प्राप्त व निष्कासित वायु, तथा आयाम का अर्थ है उसकी गति को बढ़ाना। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का नियंत्रण एवं विस्तार, अतः इसके मुख्य घटक हैं पूरक, रेचक व कुंभक। ठीक है, तो प्राणायाम क्या होता है, जो भी वायु हम अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, उसको छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं प्राण। वायु से ही हमारे प्राण हैं, अगर हम सांस लेना छोड़ देंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो प्राणायाम का ये अर्थ है। और प्राणायाम के 3 अंग होते हैं, कौन से, पूरक, रेचक एवं कुंभक। तो फिर वो जो वृंदा है उनकी बेटी पूछती है कि ये क्या होते हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। तो रेचक का अर्थ होता है नाक से सांस को बाहर निकालना, पूरक का अर्थ है कि नाक से सांस को अंदर खींचना, और कुंभक का अर्थ है रोकना, यानी कि जब हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं वो रेचक की क्रिया होती है, जब हम नाक से सांस को अंदर खींच रहे हैं उसे पूरक की क्रिया बोलते हैं, और जब हम सांस को रोक रहे हैं उसे कहते हैं कुंभक कहते हैं। चाहे वो सांस को हम अंदर रोक रहे हैं या सांस को बाहर छोड़ के रोक रहे हैं, उसे कहते हैं कुंभक। कुंभक दो प्रकार का होता है, बाह्य कुंभक व आंतरिक कुंभक। बाह्य का मतलब है बाहर, आंतरिक का मतलब है अंदर। जब श्वास छोड़ने के बाद श्वास बाहर रोक दिया जाता है, मतलब हमने सांस छोड़ दी है और हम रुक रहे हैं, सांस को नहीं ले रहे हैं, उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। और जब सांस को हम अंदर भरते हैं और थोड़ी देर के लिए अंदर ही रोक कर रखते हैं, उसे कहते हैं आंतरिक कुंभक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। प्राणायाम करने के लिए भी पहले हमें पद्मासन की मुद्रा में बैठना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि प्राणायाम की उपयोगिता लाभ क्या होते हैं। तो हम इनको नंबरिंग में लिखेंगे, जैसे 1 में आया प्राणायाम शरीर व मन दोनों की शुद्धि करता है। नंबर 2 में आएगा इससे स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। स्मरण शक्ति होती है आपकी सोचने की वृद्धि। नाड़ी संस्थान का सशक्तिकरण व चित्त तथा इंद्रियों पर नियंत्रण, पेट व छाती की मांसपेशियों को मजबूत करने सहित समस्त नाड़ी तंत्र की पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। नाड़ी तंत्र होते हैं आपके जितने भी आपकी वेन्स हैं, जिनसे आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आप सांस ले रहे हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, श्वास उचित विधि द्वारा करने से शरीर में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने से शरीर शक्ति संपन्न होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में जितना भी ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके साथ ऑक्सीजन भी हर पार्ट में जाती है। प्राणायाम से रक्त संचार संस्थान सशक्त होते हैं। थकावट दूर करने सहित यह व्यक्ति को सांस तथा गले संबंधी रोगों को दूर करने के लिए भी प्राणायाम रामबाण है। कि मतलब प्राणायाम, जब भी हम थक गए हों या हमें कोई प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है या सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो प्राणायाम करने से, प्राणायाम कौन कौन से, अगर हम रेचक की, पूरक की और कुंभक की ही स्थिति का प्राणायाम कर लेते हैं तो उससे बहुत लाभ होता है। फिर बेटी पूछती है कि प्राणायाम हम सभी करेंगे तो हमें सिखाइए। तो क्या होता है प्राणायाम का, पहला है सितकारी प्राणायाम। इसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी है, यहाँ से सेम टू सेम यहीं से लिखना है। इसके लिए पद्मासन की स्थिति में बैठना है, अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, अतः दोनों दंत पंक्तियों को परस्पर मिलाएं, मतलब अपने दोनों दांतों को मिलाना है साथ में, अपने होंठ खुले रखें। तो हम करेंगे सितकारी प्राणायाम। सितकारी प्राणायाम जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी है आपका। तो
इसके लिए क्या करना है कि पद्मासन की स्थिति में बैठना है, अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। ज्ञान मुद्रा होती है अपने घुटनों पर दोनों हाथों को रखना। फिर अपने दोनों दंत पंक्तियों को परस्पर मिलाएं, मतलब के दोनों दांत हैं उनको आपस में मिला देना है, दोनों दांत ऊपर वाले और नीचे वाले, जॉ जो आपका होता है जबड़ा, उनको मिलाना है। फिर अपने होंठ खुले रखने और धीरे धीरे शो शो की आवाज से सांस को अंदर भरना है, कि मतलब कि दांतों से सांस अंदर लेनी है और शो शो की आवाज निकालनी है, नाक से सांस बिल्कुल नहीं लेनी है इसमें। अब मुंह बंद कर लें, ठीक है, जितनी सांस अंदर ले ली है वो, उसके बाद लिप्स को बंद कर देना है और आंखों को बंद रखना है, और जितनी देर सांस रोक सकते हैं सांस को रोके रखना है। फिर उसके बाद सांस को धीरे धीरे दोनों नाकों के दोनों होल से बाहर निकालना है। इसे कहते हैं आपका शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी मतलब शोर शोर की आवाज से दोनों दांतों की पंक्तियों से सांस अंदर लेनी है, ठीक है, उसे शीतकारी कहते हैं। अब जो है पहले तो उसकी सावधानियां आएंगी कि इस प्राणायाम को सर्दियों में नहीं करना है और ठंडे स्थानों में भी नहीं करना है, और साथ में अगर किसी को सर्दी है, जुकाम है, दमा है तो भी ये नहीं करना, क्योंकि इसको करने से और ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। फिर इसके लाभ क्या होंगे करने से, कि जीभा व गले के रोग ठीक हो जाते हैं। उच्च रक्तचाप मतलब बीपी हाई के रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। पित्त प्रकृति जिसकी मतलब गर्मी रहती है शरीर के अंदर, वॉमिटिंग वगैरह होती रहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, और ये खासकर गर्मियों के मौसम में ही करना चाहिए। फिर है आपका कि शीतली प्राणायाम, ये क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर है, आपने यहीं से राइट कर लेना है कि शीतली प्राणायाम के लिए क्या करना है। इसमें फिर से पद्मासन की मुद्रा में बैठना है, अपने हाथों को आगे रखना है घुटनों के ऊपर जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, अपनी जीभा को गोल करना मतलब जीभ को गोल करना और मुंह से बाहर निकालना है। फिर सांस कैसे लेंगे, जीभ के थ्रू सांस लेंगे, नाक के थ्रू सांस नहीं लेना है, कि जीभ से सांस को अंदर लेंगे। जब हम सांस पूरी अंदर ले बैठेंगे तो मुंह जीभ को अंदर करके मुंह बंद कर देना है, जितना हो सके है सांस को रोकना है अंदर, फिर नाक के थ्रू उसको बाहर निकाल देना है। तो उसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम। शीतकारी में दांतों से लेंगे और शीतली में जीभ से लेंगे, ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस का जरूर आता है पेपर में। फिर इसके सावधानियां जो है वो वही हैं जो शीतकारी में है, कि ठंडी जगहों पे नहीं करना है और सर्दी में बिल्कुल नहीं करना है, जिसको सर्दी जुकाम या दम है वो नहीं करेंगे। और इसके लाभ भी क्या होंगे कि इसके नित्य अभ्यास से बाल सफेद होने से रुक जाते हैं, पित्त के कारण होने वाले रोग जैसे रक्त विकार, आम्ल पित्त आदि, अजीर्ण व पेचिस की बीमारियों में ये लाभदायक होता है, और गर्मियों में इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये थे प्राणायाम शीतकारी और शीतली, और इसके क्या अंग होते हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। ठीक है, कुंभक के दो पार्ट होते हैं, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। आंतरिक मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहर। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाध्याय का विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है। स्वाध्याय से विद्यार्थी का मानसिक विकास होता है, वह अपना काम स्वयं करना सीखता है, जिससे वह अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनता है। स्वाध्याय मतलब अपने आप काम करना, अपने आप पढ़ाई करना, हर चीज जो है वो अपने आप ही करना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राणायाम योग का कौन सा अंग है। तो मैंने बताया कि प्राणायाम योग का चौथा अंग है, इसके 8 अंग होते हैं। योग के कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, ये अपने सीरियल वाइज ही याद करने हैं। फिर आपको पूछा है कि प्राणायाम का अर्थ स्पष्ट करें, प्राणायाम की 3 क्रियाओं का वर्णन करें। तो प्राणायाम का क्या अर्थ था, मैंने बताया था कि प्राणों को नियंत्रण करना एवं विस्तार करना। जब हम योग करते हैं, योग के द्वारा जब हम सांस अंदर बाहर खींचते हैं, और जब जितनी हम जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं उतना ही उस चीज में इंप्रूवमेंट होती है। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं उसको अंदर रोक रहे हैं तो हमारी सांस रोकने की प्रैक्टिस हो जाएगी, बाहर छोड़ना कितनी देर हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं नियंत्रण करना। मतलब कि हम अपने प्राणों पर नियंत्रण कर रहे हैं, वायु पे, सांस पे नियंत्रण कर रहे हैं। अतः इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, मैंने बताया पूरक, रेचक व कुंभक। रेचक यानी नाक से श्वास बाहर निकालना, पूरक का अर्थ है नाक से श्वास अंदर लेना, और कुंभक का अर्थ है रोकना। अब है क्वेश्चन कि कुंभक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना, ये 2 प्रकार का होता है, आंतरिक कुंभक व बाह्य कुंभक। आंतरिक कुंभक होगा जब हम सांस अंदर ले लेंगे और उसको अंदर रोके रखेंगे तो आंतरिक कुंभक हो गया, और बाह्य कुंभक जब हम सांस को बाहर छोड़ देंगे और सांस नहीं लेते हैं जितनी देर तक नहीं लेंगे उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। फिर क्वेश्चन है कि प्राणायाम की उपयोगिताएं, मैंने आपको बताया था ये कि प्राणायाम की उपयोगिता है, लाभ पहला है कि प्राणायाम शरीर व मन दोनों की शुद्धि करता है, इससे स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, प्राणायाम से रक्त संचार संस्थान सशक्त होते हैं, श्वास उचित विधि द्वारा करने से शरीर में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने से शरीर शक्ति संपन्न हो जाता है, थकावट दूर करने सहित यह व्यक्ति को सांस तथा गले संबंधी रोगों को दूर करने के लिए प्राणायाम रामबाण है।
फिर आपके लास्ट के दो क्वेश्चन है सितकारी और शीतली प्राणायाम। ये तो जो मैंने हाईलाइट किया भैया आपने लिखने सेम टू सेम, सितकारी मतलब दोनों दांतों के थ्रू जो हम सांस अंदर लेंगे शोषक की आवाज करेंगे वो सितकारी होता है, और शीतली होता है जीभा के थ्रू जो सांस हम अंदर लेंगे। दोनों में यही सावधानी करनी है कि सर्दियों में नहीं करना है, सर्दी जुकाम दमा है तो बिल्कुल नहीं करना है, और दोनों में सेम ही लिखेंगे। और लाभ ये होते हैं कि जो पित्त प्रवृत्ति होती है वो ठीक होती है, गर्मियों में करना चाहिए, इसे बहुत अच्छा फायदा होता है। शीतली प्राणायाम से आपके जो बाल सफेद होते हैं वो रुकना बंद कर सफेद होना बंद हो जाते हैं। तो ये लेसन था हमारा 11th, अब लास्ट लेसन ही बचा है, तो आपने ये लेसन बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आते ही आते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से पता लगता है कि आपको वीडियोज़ कितनी पसंद आई हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।